रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो की भूमिका न होती तो शायद ये युद्ध अपने शुरुआती दौर में ही समाप्त हो जाता। यूक्रेन युद्ध लड़ने में बहुत सक्षम नहीं था, ऐसे में शायद वो शांति समझौते में शामिल हो जाता और युद्ध रुक जाता। लेकिन मददगारों के भरोसे वो भी युद्ध के दलदल में फंसता गया। इधर यूक्रेन के मददगार अपनी मुट्ठी बंद करते जा रहे हैं और ऐसे में मदद के मसले पर रूस और अमेरिका के बीच तीखी बयानबाजी का दौर चरम पर पहुंचता जा रहा है। अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा कि अमेरिका में दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नेटो पर हमला कर सकते हैं। हालांकि एंटोनोव ने अमेरिका के इन दावों को खारिज करते हुए इन्हें फर्जी कहानी बताया है और उन्होंने कहा कि ये रूस के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में अमेरिकी अधिकारी आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में व्हाइट हाउस में कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि यूक्रेन में जीत के बाद रूस नेटो सदस्य पर हमला कर सकता है। उनके मुताबिक यदि रूस ऐसा करता है तो इस युद्ध में अमेरिकी सैनिक भी सीधे तौर पर शामिल होंगे। रूस की महत्वाकांक्षा यूक्रेन पर हावी होने की थी। अमेरिका की वजह से ही पुतिन यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सके। बाइडेन ने अमेरिकी संसद में यूक्रेन से किए गए वादे के मुताबिक उसे निर्धारित फंड जारी करने पर भी जोर दिया। बाइडेन के मुताबिक यदि यूक्रेन को जरूरी मदद नहीं मिलती तो इससे अमेरिका और रूस के बीच सीधे टकराव का खतरा बढ़ जाएगा। बाइडेन ने विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पर आरोप लगाया कि यूक्रेन के लिए जरूरी फंड जारी करने में बाधा पैदा कर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाइडेन ने ये चिंता भी जताई कि यूक्रेन को मिलने वाला अमेरिकी समर्थन समाप्त होना पुतिन के लिए बड़ा उपहार साबित होगा। आपको बता दें कि हाल ही में रूस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और रूस का आरोप है कि यूक्रेन को आगे कर अमेरिका खुद ये युद्ध लड़ रहा है और वो रूस के चुनाव को प्रभावित करना चाहता है। इन सबके बीच में एक पहलू ये भी उठ रहा है कि यूक्रेन में रक्तपात का फायदा अमेरिका और अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्री को मिल रहा है। वैसे फिलहाल जहां तक युद्ध पहुंचा हुआ है इसमें अब एक नया एंगल भी जुड़ता दिख रहा है। जो अमेरिका और रूस अब तक इनडायरेक्ट रूप से ही लड़ रहे थे, इन बयानों ने ये संकेत दे दिया है कि वक्त और जरूरत के मुताबिक दोनों आमने सामने भी आ सकते हैं। Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским